सलीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, वो भी भरपूर तरीके से। और आज स्पेशली ईद का पहला दिन है, सबसे पहले ईद सबको आप लोगों को मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये दिन आपका बहुत ही खूबसूरत गुजरे, जितनी की खूबसूरत ईद है। नाज़रीन, प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा में आप लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात आती हैं और किसी की मधुर आवाज़ होती है, किसी का करेक्टर इतना अच्छा होता है, कुछ खुद में ही इतने खूबसूरत होते हैं। तो जितना ही आज का खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है, उतनी ही आपकी इंशाल्लाह ईद भी होगी। तो मैं आज अपना गेस्ट का तारुफ करवाने जाती हूँ। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारी लड़कियों ने लैशेस लगाई होती हैं, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी लड़कियों ने नेल्स लगाए होते हैं। कुछ लोगों के जिस तरह मेरे हैं छोटे छोटे नेल्स, वो तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो एक्रेलिक नेल्स लगाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, आज वही एक्सपर्ट हमारे शो पर मधु हैं। जी हाँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि ऐसी बातें होंगी, इतने सवाल होंगे जो कि आप सबके लिए जो जवाब होंगी बहुत ही ज़्यादा कारामद और मुफीद होंगे। तो अपनी गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ईद के मुतालिक सवालात करेंगे और आप लोगों के लिए भी सवालात जो हैं वो भी करेंगे, इनसे ताकि आपको फ़ायदा हो। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा चैनल है, अवेयरनेस जो है उसका पर्पज़ है। तो आप सबके लिए आज ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम अज़रा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अज़रा मुझे बताएं, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ लैश एक्सपर्ट, एज अ नेल्स एक्सटेंशन एक्सपर्ट, आप कैसा देखती हैं ईद का पहला दिन? क्योंकि चांद रात भी इंसान की होती है और थक के चूर हो जाता है इंसान, तो आप ईद का दिन किस तरह गुजारती हैं? डेफिनेटली हर इंसान का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए जो ये चांद रात होती है, इसको टैकल करना और अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डेफिनेटली ईद का दिन फैमिली के लिए भी होता है और वो सारी चीज़ें मिक्सअप हुई होती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चांद रात हमारी पूरी सैलून में ही गुजरती है और क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारे, और हमारी कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके क्लाइंट को, उनको, क्योंकि हमारा काम है, हम उनको खूबसूरत बनाएं और ईद के दिन में वो खूबसूरत लगें। फिर देन उनको हम लोग जब फ्री करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसमें हम लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं और देन जो है वो बस इसी तरह से ईद का दिन भी गुजर जाता है। अच्छा, मतलब अच्छा, एक दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कहीं किसी पार्लर गई ना, आपसे मिलने के बाद, जब आपके रास्ते मिलने की पहले की बात है, मैं कहीं गई ना तो बगैर अपॉइंटमेंट लिए चली गई। हाँ। तो बड़ा मुझे मुश्किल हुई कि मतलब पहले अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए है और फिर ये होता है, लेकिन जब मैं गई तो उन्होंने जो है इतना रश देखकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। तो इतना रश, आप किस्सा एग्जॉस्ट नहीं होती हैं? नहीं, होना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद हम लोग अब यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ में। और समटाइम मैं ज़्यादातर अब जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको यही कहती हूँ कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए, और वो लोग डेफिनेटली मुझे कॉल करके ही आते हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं और रश होता है और मैं उनसे कहती हूँ कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा या आपको हम अभी सर्विसेज नहीं दे सकेंगे, आप कल आएंगे। ये मेरे लिए अपने प्रोफेशन में सबसे बुरी बात लगती है कि मैं किसी क्लाइंट को ये बात बोल रही हूँ, लेकिन ये कि फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम लोग, और मेरा स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और मेरे से ज्यादा माशाल्लाह से मेरा स्टाफ इस तरह का है कि वो किसी को भी डिसहार्ड नहीं करते, इस लिहाज से वो उनकी सर्विसेज मुकम्मल करके उनको भेजते हैं। अच्छा, तो आप ज़्यादा जो है, लोग अक्सर आते हैं ना पार्लर में तो कहते हैं जो एक्सपर्ट है ना उन्हीं को ही बुलवाएं, जो प्रोफेशनल है या हेड है उन्हीं को बुलवाएं, तो ऐसी बातें कैसे फेस करती हैं? या आपका स्टाफ इस काबिल है माशाल्लाह कि वो आपकी जगह पे वो भी आपके बिहाफ पे वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा जो स्टाफ है, वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव स्टाफ रखती हूँ, लेकिन जो मेरा स्टाफ है उसकी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो मैं उससे इंटरव्यू लेती हूँ जब जॉब उसको चाहिए होती है, कि आप क्लाइंट के साथ बिहेव कैसे करते हैं और क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई कैसे करना है। अगर उनको काम इतना नहीं आ रहा होता उस लेवल पे जिस लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं, तो फिर मैं डेफिनेटली उनको सिखाती हूँ और अपने साथ अपने माहौल में एडजस्ट करवाती हूँ। अच्छा। तो हमारा स्टाफ माशाल्लाह से इतना एक्सपर्ट है कि आप ये समझ लें कि मैं खड़ी हूँ या वो खड़े हैं, काम सेम ही हो रहा होगा। अच्छा माशाल्लाह, तो आपने स्टाफ को आपने ट्रेनिंग खुद दी है? हाँ जी, मेरे पास अभी इस टाइम जो वर्कर्स काम कर रही हैं उन सबको मैंने खुद ट्रेनिंग दी है और वो मेरे
पास ही काम करेंगे। और आप बाकी जगहों पर भी ट्रेनिंग जाकर देते हैं? जैसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो आउट ऑफ द स्टेशन जाकर क्लासेस देते हैं, तो आप भी क्लासेस देते हैं? मैंने अपने सलोन में एकेडमी बनाई हुई है। अच्छा। सलोन में मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 100 अबव बच्चियां हैं जो सीख के जा चुकी हैं, और जिनमें से ऑलमोस्ट 20 के अपने सलोन्स भी हैं जो रन कर रही हैं। अच्छा। जिनमें से 3 आउट ऑफ कंट्री में भी हैं, फ्रांस में भी है एक पार्लर, और बाकी ये है कि काफी सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जाके देती ट्रेनिंग्स वगैरह। हमारे अपने सलोन में काफी रश होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी वर्कर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो हमारे सलोन पे ही आके एकेडमी में ट्रेनिंग्स लेते हैं। क्या बात है, जिन जिन्होंने जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी हो तो जरूर जाएगा। और अक्सर एक बच्चों को जो जा रहे होते हैं एकेडमी सीखने, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि वो मैम वैसा सिखा भी देंगी हमें या नहीं सिखा पाएंगी। बहुत सारे बच्चे से कंप्लेंट भी मुझे आती है और मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, तो सुनने में ये मिलता है कि जो एक एटीट्यूड होता है बहुत कम लोगों का, रेयरली जो है वो पीपल जो होते हैं वो अच्छे से बिहेव करते हैं और वो उन बच्चों को वो चीज़ सिखाते हैं जो उन्होंने सीखी होती है। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं मिला जिसने शिकवा किया, मैम आपने वो चीज़ नहीं सिखाई ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो खुश हो के ही गए हैं। और मैं स्टार्ट जब करवाती हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेसन में मैं उनको कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना कंफर्टेबल रहना है कि आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग ओपनली मुझसे पूछ सकें। आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि जैसे जो भी स्टूडेंट होते हैं, हम लोगों का प्रॉपर एक लेसन होता है जिसमें उनके क्वेश्चन आंसरिंग के भी हम लोग सेशन होते हैं, और उसके अलावा प्रैक्टिकल भी मैं उन्हें करवाती हूँ, ठीक है? और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप होता है, एक जब क्लास होती है तो उसमें माशाल्लाह इतनी सारी लड़कियाँ होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही ट्रेनिंग और वो मॉडल्स वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो प्रैक्टिकल जब होता रहता है तो वो इस लेवल पे आ चुकी होती हैं कि वो किसी का काम कर सकें। जब वो यहाँ से सीख के जाती हैं तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और सलोन में जाके उनको, या इधर भी, या मतलब उनकी ट्रेनिंग भी साथ चल रही होती है और वो प्रैक्टिकल भी साथ कर रही होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत इज्जत करते हैं और सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हो गए। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आजकल मेहंदी का कौन सा डिज़ाइन चल रहा है? लोग अक्सर ईद पर जो है वो मेहंदियाँ लगाते हैं, तो अक्सर किस तरह की मेहंदी लगानी चाहिए ईद पर? ब्राइडल लगा लेते हैं ना लोग, अक्सर बोलते हैं मम्मी मेहंदी बड़ी पसंद है हमारे, पूरे पूरे हाथ भर दो, तो कैसी मेहंदी लगनी चाहिए? अच्छा, असल में ये है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। और पहले ये हुआ करता था कि मेहंदी के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा अभी मेहंदियाँ लगवा लेते होते थे, लेकिन आजकल जो है वो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि जो मेहंदी आर्टिस्ट होता है उसकी चांद रात वाले दिन जो है ना वो बहुत बुरी हालत हुई हुई होती है। अच्छा। वो बिल्कुल उसकी कमर टूट चुकी होती है, क्योंकि पता है आपको हैंडमेड होता है ना ये, तो अभी ये है कि लोग वैसे भी खुद से भी ना शॉर्ट शॉर्ट सा ना वो करवा रहे होते हैं, लाइक कोई सिंपल सा उन्होंने बूटी रख ली, सिंपल से कोई मतलब डिजाइन डाल दिए, कोई बेल कर ली, लाइक इस तरह से। तो मेरा ख्याल है अभी बहुत कम लोग हैं इस तरह के जो कहते होंगे जी पूरा हाथ हमारा भर दें मेहंदी से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब अब जरा लाइट और डिसेंट डिजाइन आ चुके हैं मार्केट में, हम ये कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, अज़रा ने अपना पार्लर कैसे बनाया? एक मेकअप आर्टिस्ट एक जब फील्ड में आता है, बहुत सारे लोगों का जो है वो एक हुजूम होता है, यहाँ भी है सैलून, यहाँ पर भी है, उन सैलून में अपना नाम बनाना कैसा है? जब मैंने प्रोफेशन अपना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक चेयर थी, एक मिरर था, और मैंने बहुत छोटे सेटअप से स्टार्ट किया। और जब आप बहुत छोटे सेटअप से स्टार्ट करते हैं तो आपका जब जो सैलून होता है या जो भी बिजनेस होता है वो जब थोड़ा सा लेवल पे जाता है तो आपको उससे बड़ी मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत छोटे एक लेवल से उसको स्टार्ट किया हुआ होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास एक चेयर, एक मिरर था, और मैंने जैसे क्लाइंट्स मेरे पास आते गए, और वो जैसे आप मेरे पास आई और आपने कहा कि अच्छा काम है, या कोई और आता है इस तरह से, मतलब वो फिर अपनी फैमिली में भी और बताते हैं। आपको पता है खवातीन तो बहुत ज़्यादा फैशन करती हैं माशाल्लाह, हमारे मुल्क में तो अब इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अपडेट रहना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो फिर जैसे अपनी फैमिली में गए, किसी कजन्स को बताया इस तरह से, तो वो करते करते मेरे पास इतनी माशाल्लाह से क्लाइंट
चीज बननी शुरू होगी कि मुझे फिर अपना सलोन बढ़ाना पड़ा। अच्छा, जबरदस्त। स्टार्ट टफ होता है। स्टार्ट बहुत टफ होता है। आप सीखा कहाँ से? मैंने 2011 से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था और मैंने लैश एक्सटेंशन और एक्रेलिक नेल का आउट ऑफ कंट्री से मैंने सीखा था। इसके अलावा मैंने एक दो ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया जिसमें मेरा एक्सपोयर रहा सेवा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के साथ भी। और बाकी ये है कि वहाँ से सीखा मैंने और जब मैंने पाकिस्तान में आके ये काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को उस टाइम लैशेज का इतना नहीं भी होता था। फर्स्ट टाइम अभी तक हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं और वो बड़े घबरा रहे होते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लोग लगवाते हैं लैशेज और फिर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर वो देन उनको अवेयरनेस इन चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू होगी। तो मैंने क्योंकि बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस चीज का और मैंने आउट ऑफ कंट्री में काफी टाइम काम भी किया और फिर उसमें ये है कि जब पाकिस्तान में हम मूव हुए तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आनी शुरू हुई और बस अब कर रहे हैं क्या पाकिस्तान में नाम चला रहे हैं। अच्छा, इस नेल्स का और लैशेस का जो है वो मेरे आपसे सवाल जो है वो करना है, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ जाता है एक सेगमेंट का जिसका नाम है रैपिड फायर सेगमेंट। अच्छा, ये रैपिड फायर सेगमेंट ऐसा है कि सवाल आपके जो है मैं आपसे करूंगी तेजी तेजी से और आपने जो है वो जवाब देने हैं बहुत ही मुख्तसर वन वर्ड। जी हाँ, ठीक है, आर यू रेडी? हाँ, बिल्कुल। All right. पहला सवाल है आपका, आपके ख्याल में जिंदगी का मतलब क्या है? मेहनत। मेहनत, क्या ही बात कर रही है, कितनी गहरी बात की है। वो क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा हौसला देती है? मेरे बच्चे। क्या बात है, जबरदस्त। अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी एक रियलिटी शो है तो फिर आप अपनी उस रियलिटी शो जो आपकी कहानी जा रही है उसका क्या टाइटल रखेंगे? भागम दौड़। भागम दौड़। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल सबकी जिंदगी भागम दौड़ वाली होती है, है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे एक और सवाल करूँ तो वो ये होगा कि अब तक आपको मौसूल होने वाला बेहतरीन मशवरा क्या है? बेहतरीन मशवरा के हिम्मत रखो। हिम्मत रखो, जबरदस्त। सब्र करो, हिम्मत सबर। रखो, क्या बात है। टॉलरेंस इंसान में होनी चाहिए, टॉलरेंस जो है ना बड़ी मैटर करती है। अच्छा, मुझे बताएं आप मुश्किलात से कैसे निपटती हैं? अल्लाह ताला पे भरोसा करती हूँ और मुझे बस यही होता है कि अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे और हो जाता है। क्या बात है। किस फिल्म, किताब या टीवी शो ने आपकी जिंदगी में या तो जिंदगी बदली या फिर जिंदगी के बदलाव में थोड़ा सा अहम किरदार अदा किया? मेरी शादी। अच्छा, तो ना ये टीवी शो हुआ ना ये कोई किताब हुई। बट ये मेरी अपनी जिंदगी की एक किताब है। अच्छा, जिसमें जो है वो बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं। अच्छा, अक्सर लोग डायरी लिखते हैं, आप डायरी लिखती हैं? नहीं, कभी लिखी? छोटी थी तो शेरो शायरी कर लिया करती थी कभी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आप अक्सर किसी अजनबी के बारे में सोचती हैं? नहीं, टाइम नहीं मिलता। ऐसे होते हैं ना, लोग जा रहे होते हैं तो अजनबी याद आ जाता है चलते फिरते घर में या कुछ भी करते हुए कि उस बंदे ने मुझे बात क्यों बोली होगी या जा रहे होंगे। हाँ, ये होती है। मैंने एक बंदे को देखा था, बड़ा अजीब सा था। नहीं, नेवर, नहीं, कभी नहीं सोचा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछने वाली हूँ वो ये है कि क्या आपने कभी बचपन में किसी के घर की बेल बजाकर भागी है? हाँ, बहुत बार। मैं बहुत शरारती हुआ करती थी बचपन में। अच्छा, शरारती हुआ करती थी। बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त। इतना अच्छा आपने रैपिड फायर सेगमेंट जो है वो खेला है और ये इख्तिताम को पहुंचता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, मुझे ये बताएं जो लड़कियां, जो लेडीज जो हैं वो लैशेस लगाना चाहती हैं। अच्छा, पहले तो एक बात ये मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ लड़कियां लगा सकती हैं या फिर लड़के भी लगा सकते हैं? आउट ऑफ कंट्री में तो लड़के लगाते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक तो मैंने नहीं देखा। हाँ, ये है कि कुछ लोग इस चीज का शौक रखते हैं और अगर वो रखते हैं तो लगवानी चाहिए। क्या ही बात है। इट्स मीन के लड़के आप भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो लोग लगाना चाहते हैं बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार ये लगाएंगे जलन होगी आईज में, क्या होगा जो दिखाई है वैसे ही लगाएंगे या मेरी आंखों पे कौन सा सूट करेगी। एक जो है ना पजल अप हो जाता है बंदा जब आता है, उसको क्लियर करना, उसको सजेस्ट करना, ये कितना मुश्किल और कितना आसान है। मेरी कोशिश होती है, मेरे पास जब भी क्लाइंट आता है मैं पहले उसके साथ एक मीटिंग करती हूँ, शॉर्ट सी मीटिंग करती हूँ और जिसमें मैं क्लाइंट को पहले ब्रीफ करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली आप क्या चाह रही हैं। अच्छा, चाहे वो हेयर का काम है, चाहे वो
नेल्स का है, मेकअप है, लैशेस है, ईच एंड एवरीथिंग. मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्लाइंट सम टाइम आपको अपनी वो चीजें ब्रीफ नहीं कर पा रहा होता जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है. तो फिर मेरी उनसे जब मीटिंग होती है तो मैं वहां तक पहुंच जाती हूँ जो क्लाइंट चाह रहा होता है. क्या ही बात. और फिर सेकंड ये कि आपने लैशेस के हवाले से सवाल किया है, तो फर्स्ट टाइम क्लाइंट जब आता है तो वो इसी तरह से परेशान होता है क्योंकि आईज जो होती है वो आपके बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट होता है और आपको बड़ी केयर करनी चाहिए इसकी डेफिनेटली हर बंदा. तो वो डेफिनेटली लोग जब आते हैं फर्स्ट टाइम उनको होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारी आईज डैमेज हो जाए. तो मैं पहले उनको फिर बताती हूँ कि लाइक जिस आप जब आई लैशेज लगाएंगे और जब आपकी आईज ओपन होंगी तो विद इन 2 to 3 minutes तक आपकी लैशेज जो है वो हल्की सी इरिटेशन होगी आईज के अंदर. लाइक जैसे आप अनियन कट करते हैं और थोड़ी देर के लिए आपको लैशेज में प्रॉब्लम वो होती है आईज में ना, इसी तरह से 2 से 3 मिनट के दरमियान आपकी लैशेज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है. अच्छा, नॉर्मल हो जाती है. नॉर्मल हो जाती है. और बच्चे को कुछ बच्चे कहते हैं ना जो लैशेज जो हैवी हो गई हैं या आंखों पे बोझ सा महसूस हो रहा है, तो वो भी यूज्ड टू हो जाते हैं उसके साथ. अच्छा, उसमें ये होता है कि एक तो ये जो एक्सटेंशन होती है ना, ये होते हैं ह्यूमन हेयर्स. तो ये जो एक फेक वाली आई लैशेज होती है उससे एक डिफरेंट चीज होती है. फेक लैशेज जो होती है वो उसका एक वजन होता है. जब आप फंक्शन में सिंपली हमारा जैसे अभी पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड था, शादियों में लोग जाते थे और फिर उसमें ये वो लैशेज वगैरह लगाते होते थे. अभी ये जो लैशेज होती हैं ये बहुत लाइट वेट होती हैं. अच्छा. तो फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट लगाता है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको प्रॉब्लम होती है. एक दिन वो उसको थोड़ा सा यूज्ड टू होने में डेफिनेटली वो होता है, लेकिन वो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है. क्या बात है, मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है. दिल करे तो जाकर करवा लें. Exactly. क्या ही बात है. अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो नेल्स करवाना चाहते हैं. नेल्स की टाइप्स कौन सी है पहले तो ये बताएं कि कौन से. एक तो होते हैं जो स्टिक ऑन होते हैं, एक तो होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, और कौन कौन से होते हैं. नेल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी. अगर वो हम बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी. एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, वो जरा हार्ड होते हैं, हार्ड फॉर्म में होते हैं. और जो पॉली जेल होते हैं वो आपका लिक्विडी फॉर्म में होते हैं, जेल फॉर्म में होते हैं. अच्छा. वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. Okay. अब दोनों का काम तो सेम है. देखें, आप अगर लगा रहे हैं, आप स्टिकी वाले अगर लगा रहे हैं तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी सी कम होगी. वो एक से दो दिन चलते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन एक्रेलिक नेल्स का ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी बच्चियां आती हैं जिनके नेल्स बहुत डैमेज हुए होते हैं किसी ना किसी बीमारी की वजह से. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उनकी, अपनी नेल की ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो वो नेल्स भी बड़े रखना चाहती हैं. तो उसके लिए एक्रेलिक नेल्स बेस्ट है. ठीक है. और वो एक्रेलिक नेल्स करवाती हैं और फिर वो डिफरेंट जो है वो टाइम बाद उसको नेल पेंट चेंज करवाती हैं, आर्ट करवाती हैं, मार्बल नेल्स आ जाते हैं, ओम्ब्रे आ जाता है उसमें. अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये नेल्स करवाने से कोई फंगस या फिर कोई कुछ होता तो नहीं है मेडिकली. जो नेल्स होते हैं एक्रेलिक नेल्स, अगर उसको आप बार बार लगा के रिमूव करके दोबारा से लगवाएंगे, एक दफा लगा लिए अब उसको पूरा रिमूव कर लिया या फिर से लगा लिए, तो वो फिर आपको ये है कि आपके नेल्स को डैमेज करेगा. अच्छा. लेकिन अगर आप उसको नेल्स को रीफिलिंग करवाते रहेंगे तो वो फिर आपके नेल्स को डैमेज नहीं करता. रीफिलिंग से मुराद क्या होगा? रीफिलिंग से मुराद ये होती है कि जैसे हम एक्रेलिक लगाते हैं और नेल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो नेल हमारा एक्रेलिक आगे की तरफ आ जाएगा, पीछे से हमारा नेचुरल नेल होगा. नेचुरल नेल की रीफिलिंग होना जरूरी होता है. अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उसको रीफिल करना जरूरी होता है, तो उस रीफिलिंग से नुकसान नहीं है? नहीं, उससे नहीं है. लेकिन अगर आप जो ऑलरेडी आपका नेल लगा हुआ है उसको आप बार बार रिमूव करवा के नए सिरे से एक्रेलिक लगाएंगे तो फिर नेल डैमेज होगा. तो क्या ही बात है, जब लड़कियां ये बातें सुने और ऐसा प्रोग्राम देखे जिसमें आपके लिए इतनी ही मालूमात हो, तो जब नेक्स्ट ईद हो और आप ये प्रोग्राम देखें और जाएं किसी भी सैलून जाएं और वहां पर अपने लश पश हो जाएं, लैशेज लगवाएं और एक्रेलिक नेल्स लगवाएं, तो कितनी ही हसीन आप लगेंगी. हर बंदा ऑलरेडी खुद में ही हसीन होता है, लेकिन थोड़ा सा इन्हेंस करने की जरूरत होती है. थोड़ी सी ब्यूटी को आप ग्रूम कर सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है. अज़रा, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी तशरीफ आवरी का. बहुत प्रोग्राम हुआ, आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा. जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को ईद की मुनासबत से क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कहूंगी कि ईद अच्छी गुजारें, अपनी फैमिली को टाइम दें
और यही जो 4-5 दिन होते हैं हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, हर किसी की, कोई ऑफिस, कोई कहाँ, कोई कहाँ। तो जो ईद के 4-5 दिन होते हैं, मेरा ख्याल है कुछ लोगों के 3 ही होंगे, तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे ताकि वो लोग खुश हों। क्या बात है, जबरदस्त। मैं भी आपके इस मैसेज से एग्री करती हूँ। कोशिश करें कि दूसरों की खुशियों में खुश हों, उनकी खुशियों में रंग भी खेलें, ये ना करें कि जाकर जो है उनकी दिल आजारी हो जाए। कोशिश क्या करें कि जितना दूसरों का दिल खुश कर सकते हैं उतना दिल खुश करें। ऐवे फजूल में कुछ भी बोल देना तो फिर जरा ऑकवर्ड भी लगता है, गुनाह भी मिलता है, और यकीनन उस बंदे का दिल भी बहुत खराब होता है। ईद का मौका है, मीठी ईद है, कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों के घर जाएं, वहां जाकर उनसे मिलें, जो रंजिशें हैं दिल की वो क्लियर करें, जो मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करें, और खुशियों से जो है वो खुशियां भी खेलते चले जाएं, और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत कायम रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, अपने वतन से प्यार करें। गॉसिप विद रुमैसा का करते रहिएगा इंतजार। अल्लाह हाफिज़। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/ramadan.